नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार की शाम सिंगाड़िया मॉडल शॉप के पास रहने वाले ज्वाला निषाद को 5 4-पहिया सवारों ने किया अपहरण। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने रोड को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के घर पर दी दबिश। अपहरणकर्ता युवक को सहारा स्टेट छोड़कर हुए फरार। मामला कैंट थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा, युवक की तहरीर के आधार पर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा किया गया है दर्ज। जल्द अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी कर किया जाएगा खुलासा। जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में कैंपियरगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। महिलाओं के साथ ऑटो में टप्पेबाजी करने वाले दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक पायल घटना में प्रयुक्त ऑटो किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया खुलासा। पूर्वोत्तर रेलवे की महिला एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने बर्मिंघम इंग्लैंड में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीता सिल्वर मेडल। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के संरक्षक महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अशोक कुमार मिश्रा, अध्यक्ष योगेश मोहन, महासचिव पंकज कुमार सिंह ने प्रियंका गोस्वामी को दी बधाई। मोबाइल लूट करने वाले दो अभियुक्तों को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 लूट का मोबाइल, 26 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया हजरत इमाम हुसैन की याद में 7वीं मुहर्रम का जुलूस। जगह जगह पर जुलूस का लोगों ने किया स्वागत। शाम को मियां साहब के पुत्र अयान शाह के नेतृत्व में निकला गश्ती जुलूस। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब ने कहा मांगी गई शांति एवं अमन की दुआ। टप्पेबाजी व चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 सोने का मंगलसूत्र, 1 सोने का ज्यूतिया लॉकेट, 2 सोने का कान टप्स, 2 सोने की कान की झुमकी को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। डीजल चालित काले ऑटो रिक्शा के विरुद्ध एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में शनिवार को पैडलेगंज व मोहद्दीपुर चौराहे पर चलाया गया सघन एवं संयुक्त चेकिंग अभियान। 128 काले ऑटो और ई रिक्शा तथा 181 वाहनों के विरुद्ध चालान एवं सीजर की गई कार्रवाई। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। चेन स्नेचिंग व मोबाइल फोन की लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 9,200 रुपए, 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 देशी तमंचा व 1 जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, कुछ मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, कुछ मामलों का टीम भेजकर निस्तारण करने के दिए गए निर्देश। युवती का अपहरण करने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 फर्जी आधार कार्ड, 5 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 1 फिंगरप्रिंट डिवाइस को किया बरामद, भेजा जेल। और एमएलसी बनने के बाद भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के प्रथम आगमन पर महानगर के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को पार्टी द्वारा एमएलसी बनाया जाना है सभी महानगर के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात। अब समाचार विस्तार से। कैंट थाना क्षेत्र के सिंघाड़िया मॉडल शॉप के पास से रहने वाले ज्वाला निषाद को शुक्रवार को शाम 5 बजे जिम के बाहर से 5 लोगों ने कार से अपहरण कर लिया तथा असलहे के बल पर युवकों ने उसे 4-पहिया गाड़ी में बैठा लिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने ज्वाला के घर वालों को जानकारी दी। घर वालों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़क को जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर 3 थानों की फोर्स के साथ पहुंचे एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने लोगों को रास्ता खाली करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी हटने को तैयार नहीं था।
जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को कूड़ाघाट निवासी एक युवक की जानकारी हुई जो कि अपहरण में शामिल था। पुलिस ने उसके परिजनों पर दबाव बनाया जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने सहारा स्टेट के पास ज्वाला निषाद को छोड़कर फरार हो गए। इसकी जानकारी के बाद पुलिस उसे लेकर सिंघाड़िया आई, तब जाकर लोगों ने सड़क जाम समाप्त किया। बाद में ज्वाला को लेकर पुलिस कैंट थाने पर गई। कैंट थाने में ज्वाला की तहरीर पर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 12 जुलाई को ज्वाला और उसके दोस्त की मॉडल शॉप संचालक के साथ मारपीट हुई थी। मॉडल शॉप संचालक की तहरीर पर केस दर्ज होने के बाद वह जेल गया। बुधवार को ही जमानत पर छूटकर आया था। शुक्रवार को शाम को अपहरण की हुई घटना को इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि तहरीर के आधार पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तार कर खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर के कैंट थाना अंतर्गत सिंघड़िया क्षेत्र में मॉडल शॉप के बाहर 12 तारीख को एक मारपीट की घटना हुई थी। उसी घटना के सिलसिले में आज उस घटना का अभियुक्त ज्वाला निषाद अपने घर से जिम की तरफ जा रहा था। जिम के बाहर से उसका 5 लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिसमें एक कंस्पिरेटर है और 4 लोग हैं जो घटना में शामिल थे। उसके बाद में वो उसको कोराबार एवं रामगढ़ ताल क्षेत्र में लेके गए। घटना की सूचना उसके परिचित ने पुलिस को दी, तो पुलिस ने तत्काल गाड़ी नंबर से ट्रेस करते हुए एक अभियुक्त के घर पे दबिश दी और इस दबिश की सूचना मिलते ही उन्होंने अपहृत व्यक्ति को रामगढ़ ताल के नौगायन क्षेत्र में छोड़ दिया। एवं उसके बाद में पुलिस इस पड़ताल में जुटी है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इसका अपहरण किया है, एवं जल्द ही इस घटना का सफल अनावरण कर अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में कैंट थाना अंतर्गत एक मुकदमा 364, 323, 504, 506 एवं 120 बी का दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर की अध्यक्षता में कैंपियरगंज तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने फरियादियों की समस्याओं को बारीकी से सुना। तहसील दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद व पुलिस से संबंधित आए थे, जिसमें कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिन मामलों का मौके पर निस्तारण नहीं हो पाया, उन मामलों को पुलिस व राजस्व टीम गठित कर मौके का मुआयना कर निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कैंट पुलिस ने 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्त फलमंडी से आवास विकास कॉलोनी बेतियाहाता आने वाले रास्ते के मोड़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विकास कुमार सोनकर पुत्र वर्मा सोनकर निवासी अमृत मंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा दीपक उर्फ रंजन डोम पुत्र महिपाल डोम निवासी पकड़गांव थाना बगहा बेतिया बिहार हाल बता लाल डिग्गी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक पायल घटना में प्रयुक्त ऑटो को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त विकास कुमार सोनकर व दीपक उर्फ रंजन डोम से पूछने पर बता रहे हैं कि हम दोनों अपने साथी करण डोम पुत्र जितेन डोम निवासी लाल डिग्गी पावर हाउस थाना राजघाट गोरखपुर के साथ ऑटो लेकर घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई अकेली महिला दिखती है तो उसे अपने ऑटो में बैठाकर घुमाते हुए ले जाते हैं और महिला को बरगलाकर उसके गहनों को निकालकर झोले में रखवा देते हैं कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, गहने को निकाल कर झोले में रख लीजिए, नहीं तो वो लोग ले लेंगे। इस प्रकार हम लोग झांसा देकर महिलाओं से गहना निकलवा कर झोले में रखवा लेते हैं और मौका पाते ही झोले को बदल देते हैं या गहने को चुरा लेते हैं। इसी तरह की घटना हम लोगों ने दिनांक 24 जून को एक अकेली महिला को रुस्तमपुर चौराहे से अपने ऑटो में बैठाया था और उस महिला को धोखा देकर उसका मंगलसूत्र, झुमका, करधन, पायल आदि सब जेवर चुरा लिए थे।
उसी में का यह बचा हुआ पाजेब है जिसे हम दोनों ने एक एक बांट लिया था। यह वही पायल है जिसे आप लोगों ने हम लोगों से बरामद किया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल विशाल कुमार शर्मा, शिवानंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ठीक है बढ़िया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में आज थाना कैंट क्षेत्र में एक टप्पेबाजी की गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें लोग ऑटो संचालित गैंग है ये, इसमें चार लोग बैठ के ऑटो ड्राइवर समेत किसी भी अकेली महिला को देख के टारगेट आइडेंटिफाई करते थे। टारगेट आइडेंटिफाई कराने के बाद उस महिला को ये ऑटो में बिठाते थे एवं उसको बहला फुसला के उसके गहने जो है एक झोले में डाल देते थे। फिर बताते थे कि सामने पुलिस है, पुलिस आगे चेकिंग कर रही है। इस बहाने वो झोले को फिर उसी वापो में झोले की अदला बदली कर देते थे या झोले में से जो उनका सोना था वो चोरी कर लेते थे और फिर आगे जाके महिला को उतार देते थे और फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। इस तरह की एक घटना 24/6 को थाना कैंट में हुई थी। उसको सीसीटीवी के आधार पर जहाँ ये उतरे थे वहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए इनके चेहरे और पता रसी सुरागरसी के आधार पर कल फिर इनको फल मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से दो पायजेब बरामद हुई है, बाकी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने बेच के उसका पैसा है वो खर्च कर दिया गया है। शहर में बहुत सारे टप्पेबाज समय समय पे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी निवासियों से मेरा आग्रह है कि आप किसी भी क्षेत्र में आप जाएँ या किसी भी टैक्सी ऑटो बस जहाँ कहीं भी ट्रेवल करें, आप किसी व्यक्ति पर विश्वास ना करें, स्वयं के साधन का स्वयं ध्यान रखें एवं किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का मोबाइल मोबाइल नंबर अपना गहना या फिर अपना कोई भी साधन किसी के साथ शेयर ना करें। इस प्रकार के टप्पेबाजों एवं जालसाजों से बचें। इन लोगों ने पिछले 3 महीने से एक कैंट थाना अंतर्गत एक्टिव थे और एक ही मुकदमा रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि और भी रहे होंगे। लेकिन भविष्य में इस प्रकार से लोग जालसाजी में ना फंसें इसके लिए सभी को हिदायत दी जाती है। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के लिए यह गौरव का क्षण है कि पूर्वोत्तर रेलवे की महिला एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने बर्मिंघम इंग्लैंड में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल जीता। एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने 6 अगस्त 2022 को 10 किलोमीटर रेस वॉक पैदल चाल स्पर्धा में 43 मिनट 38 सेकंड में रेस वॉक पूरी करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इसके पूर्व भी प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर रेस वॉक के हिस्से में अनेक उपलब्धियां हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2022 में रेस वॉक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 17वां स्थान प्राप्त किया। प्रियंका गोस्वामी ने रांची में आयोजित इंटरनेशनल वॉक चैंपियनशिप 2021 में 20 किलोमीटर रेस वॉक में भाग लेकर 1 घंटा 28 मिनट एवं 45 सेकंड का समय लेते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नरसा के संरक्षक महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अशोक कुमार मिश्रा, अध्यक्ष योगेश मोहन, महासचिव पंकज कुमार सिंह एवं समस्त टीम नरसा ने खुशी व्यक्त करते हुए एथलीट प्रियंका गोस्वामी का उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। गोरखनाथ पुलिस ने 2 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को बरगदवा चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान प्रभाकर पुत्र रामप्रीत निवासी गोपलापुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर, दूसरा महेंद्र कुमार पुत्र घरभरन निवासी कोनी थाना हरपुर बुधट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 4 मोबाइल, 3 मोबाइल टूटे फूटे, 26 विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवा के जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोरखनाथ थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह, उप निरीक्षक राजेश कुमार गुप्ता, कांस्टेबल राजू कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा,
गोरखनाथ है सर ना। मैं अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना गोरखनाथ द्वारा एक गुडवर्क किया गया है, जिसमें एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि थाना क्षेत्र में कुछ मोबाइल चिन्हित लोग एक्टिव हैं, तो उस पर दबिश दी गई। दबिश देने पर एक यामा मोबाइल जो से ये घटना कारित करते हैं उसको बरामद किया गया है। उसके साथ साथ दो और अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से 26 सिम कार्ड, इसका मतलब यह है कि इन्होंने और इतनी संख्या में मोबाइल जरूर लूटे हैं लोगों के, एवं वर्तमान में इनके पास से 4 टूटे फूटे मोबाइल एवं 4 अदद चालू हालत में मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये गोरखनाथ थाना क्षेत्र की एक अच्छी वर्कआउट है और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से थाना गोरखनाथ कैसे अंजाम देते हैं, कहाँ के रहने वाले ये लोग? थाना गोरखनाथ क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति जो मोबाइल पे बात कर रहा होता है, उस व्यक्ति पर के पास में अपनी यामा बाइक, जो फास्ट चलने वाली बाइक होती है, उसके ऊपर आगे पीछे बैठ के घटना को अंजाम देते थे, एवं इनके इस तरह जेल जाने के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र में घटनाओं पर रोक लगाया जाए। मोबाइलों को आगे बेच दिया करते थे, जिस दुकान पर बेचते थे उस दुकान का पता लगाया जा रहा है। जांच की पर पाया गया कि उस पर इस प्रकार के और कोई मोबाइल नहीं थे, सबकी IMEI वेरीफाई कराई गई तो सही पाए गए, तो और भी पता रसी सुरगरसी की जा रही कि और कोई अन्य जगहों पर जहाँ पर बेचते थे आगे कार्रवाई की जाएगी। हजरत इमाम हुसैन की याद में 7वीं मुहर्रम का कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम की 7वीं का जुलूस हजरत इमाम हुसैन की याद में आपसी भाईचारगी को मजबूत करने व अमन का संदेश देने के लिए इमामबाड़ा, हजारीपुर, जाफरा बाजार, बड़े कादीपुर, दशहरी बाग, जमनैया बाग, जाहिदाबाद, पुराना गोरखपुर, हुमायूंपुर, रुद्दलपुर, रसूलपुर, अजय नगर, अली नगर, दीवान बाजार, माधोपुर, बुलाकीपुर के मुतवल्लियों का चरणलाल चौक तक जुलूस को निकाला गया। जुलूस का जगह जगह पर स्वागत किया गया। जुलूस में सबसे आगे इस्लामी परचम, ऊँटों घोड़ों की लंबी कतारें, रोशन चौकी, बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुलूस के साथ चल रहे थे। शहनाई वादक व बैंड वाले मातमी धुन बजाकर अकीदत का नजराना पेश कर रहे थे। इसके बाद पारंपरिक ढोल ताशा बजा रहे थे। शाम को मियां बाजार स्थित इमामबाड़ा इस्टेट से पूरे रवायत के साथ मियां साहब के पुत्र अयान शाह के नेतृत्व में गश्ती जुलूस निकाला गया, जिसमें अयान शाह ने रास्ते में पड़ने वाले तमाम मज़ारों, करबला आदि पर इबादत की और देश दुनिया में अमन व शांति की दुआ मांगी। आपको बता दें कि अपनी पुरानी शान और शौकत के साथ अयान शाह के गश्ती जुलूस में सबसे आगे बड़ा स्टेट का परचम, उसके बाद अयान शाह के निजी सुरक्षा गार्ड सफ़ेद व आसमानी वर्दी में लंबी कतार के साथ चल रहे थे। जुलूस की शोभा कई अदद बैंड वादक, शहनाई वादक जुलूस का शोभा बढ़ा रहे थे। अयान साहब अपनी रवायती अंदाज में सफ़ेद चमचमाती हुई अपने सहयोगियों एवं निजी अंगरक्षकों के साथ चल रहे थे। इस अवसर पर अकील अहमद अंसारी, अहमद जुनेद, फैज़ान अंसारी, शकील खान, हाजी नौशाद खान, शमशाद अहमद, अयान अहमद निज़ामी और नूरुल हुदा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए इमामबाड़ा इस्टेट के गद्दी नशीन अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने कहा, हम
आगे हट गए आगे सर तो हम लोग के मुहर्रम की तीसरी से तारीख से शुरू हो जाते हैं। आज मुहर्रम की सातवीं हो गई है और मुहर्रम का नबी और दसई का जो जुलूस होता है इमामबाड़े स्टेट का वो शाही जुलूस कहलाता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में से गुजरता है। नबी का जुलूस रात में 9:30 बजे होता है जबकि उसके आने का वक्त 11 बजे रात का है, लेकिन 11 बजे के नहीं हो करके क्योंकि इतने भीड़ भाड़ होती है उसमें कभी कभी 12:30 1 बज जाते हैं। इसी तरह दसवीं का भी जुलूस जो है वो दिन का होता है, ये 9:00 बजे निकल करके मुख्तलिफ इलाकों से, ये इसका रूट ज़्यादा लंबा होता है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए फिर वापस इमामबाड़े में प्रवेश करता है। जी हमारे छोटे साहबजादे हैं ये, लेकिन आज दिक्कत क्या हो गई कि थोड़ी सी मेरी उम्र की वजह से आज थोड़ी सी तबीयत मेरी गड़बड़ हो गई, आज आपके साथ सामने बस मैं खड़ा हूँ, किसी तरह से बुखार है मुझे इस पब्लिक बारह उन्होंने ये गश्त की है और एक ना एक दिन धोनी को करना है। इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार की शाम सिंगाड़िया मॉडल शॉप के पास रहने वाले ज्वाला निषाद को 5 चार पहिया सवारों ने किया अपहरण। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने रोड को किया जाम, मौके पर पहुंची पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के घर पर दी दबिश। अपहरणकर्ता युवक को सहारा स्टेट छोड़कर हुए फरार। मामला कैंट थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा युवक की तहरीर के आधार पर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा किया गया है दर्ज, जल्द अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी कर किया जाएगा खुलासा। जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर की अध्यक्षता में कैंपियरगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। महिलाओं के साथ ऑटो में टप्पेबाजी करने वाले 2 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 पायल घटना में प्रयुक्त ऑटो किया बरामद। एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया खुलासा।
पूर्वोत्तर रेलवे की महिला एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने बर्मिंघम इंग्लैंड में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीता सिल्वर मेडल। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के संरक्षक महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अशोक कुमार मिश्रा, अध्यक्ष योगेश मोहन, महासचिव पंकज कुमार सिंह ने प्रियंका गोस्वामी को दी बधाई। मोबाइल लूट करने वाले दो अभियुक्तों को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 लूट का मोबाइल, 26 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया हजरत इमाम हुसैन की याद में 7वीं मुहर्रम का जुलूस। जगह जगह पर जुलूस का लोगों ने किया स्वागत। शाम को मियां साहब के पुत्र अयान शाह के नेतृत्व में निकला गश्ती जुलूस। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब ने कहा मांगी गई शांति एवं अमन की दुआ। टप्पेबाजी व चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 सोने का मंगलसूत्र, 1 सोने का ज्यूतिया लॉकेट, 2 सोने का कान टप्स, 2 सोने की कान की झुमकी को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। डीजल चालित काले ऑटो रिक्शा के विरुद्ध एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में शनिवार को पैडलेगंज व मोहद्दीपुर चौराहे पर चलाया गया सघन एवं संयुक्त चेकिंग अभियान। 128 काले ऑटो और ई रिक्शा तथा 181 वाहनों के विरुद्ध चालान एवं सीजर की गई कार्रवाई। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। चेन स्नेचिंग व मोबाइल फोन की लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 9,200 रुपए, 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 देशी तमंचा व 1 जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा कुछ मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, कुछ मामलों का टीम भेजकर निस्तारण करने के दिए गए निर्देश। युवती का अपहरण करने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 फर्जी आधार कार्ड, 5 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 1 फिंगरप्रिंट डिवाइस को किया बरामद, भेजा जेल। और एमएलसी बनने के बाद भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के प्रथम आगमन पर महानगर के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को पार्टी द्वारा एमएलसी बनाया जाना है सभी महानगर के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खोराबार थाने की पुलिस ने टप्पेबाजी व चोरी करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को बुढ़िया माता मंदिर गेट के पास कुसमी जंगल जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अरविंद डोम पुत्र राजेंद्र निवासी लाल डिग्गी पार्क थाना राजघाट जिला गोरखपुर, दूसरा अर्जुन बांसफोड़ और जरलहवा पुत्र छोटे लाल, तीसरा मंगरू डोम पुत्र राजेंद्र निवासीगढ़ लाल डिग्गी पार्क थाना राजघाट जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से दो सोने का मंगलसूत्र, एक सोने का ज्योतिया का लॉकेट, दो सोने का कान का टफ, दो सोने का कान की झुमकी को बरामद किया गया है। SPCT ने बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों से कुसमी बाजार व अन्य स्थानों पर हो रही चोरियों के विषय में पूछा गया तो बताया कि साहब हम लोग घूम फिर कर यह पता कर लेते हैं कि कहां कहां किस दिन बाजार लगती है या भीड़भाड़ रहती है, वहां पहुंचकर हम गांव की महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं तथा उन्हें लालच देकर अथवा गहने व रुपये चोरी होने का भय दिखाकर महिलाओं को गहने व रुपये सुरक्षित रखने के लिए कहते हैं और वो हमारी बात मानकर गहने व रुपये एक स्थान पर छिपा लेती हैं, जिसे हम देख लेते हैं और मौका पाकर उसे चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आज फिर हम लोग इसी उद्देश्य से आए थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। हम तीनों ने मिलकर जून महीने में कुसमी बाज़ार के पंजाब नेशनल बैंक के अंदर से एक महिला को कागज़ की गड्डी थमाकर धोखे से उसके 50,000 रुपये चुरा लिए थे। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक आशुतोष कुमार राय, हेड कांस्टेबल हरेंद्र प्रसाद, अशोक सरोज, कांस्टेबल अनिल यादव, कृष्णा कुमार दुबे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज दो टप्पेबाजी की गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एक थाना कैंट अंतर्गत, दूसरा थाना खोराबार के अंतर्गत। थाना खोराबार के अंतर्गत तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो टप्पेबाजी में शामिल होते हैं। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि वो किसी भी शनिवार या शुक्रवार या जब भी कोई बाजार लगता है तो बाजार में ये भोले भाले लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं एवं उसको बाद में साइड में ले जाके उनको पागल बनाते हैं। साथ में महिलाओं की भी गैंग होती है इनके, उनको भी आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि कौन महिलाएं हैं। उसके बाद में ये लोग सब्जी के बहाने साथ में बैठ के उससे बात करते हैं या फिर साइड में ले जाते हैं। साइड में ले जाने के बाद उनको बहला फुसला कर उनसे गहना ले लेते हैं एवं बाद में आगे पुलिस की चेकिंग का बहाना बता के वहाँ पे ये लोग गहना का अदला बदली कर लेते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस प्रकार के तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, परवीन डोम, अर्जुन बांसफोड़ और मंगरू डोम। इनके पास से दो मंगलसूत्र के लॉकेट, एक जूतिया का लॉकेट
और दो कान के सोने के टोपस और दो अदद कान की झुमकी, सभी सोने का सामान जो है वो बरामद किया गया है। एवं जितनी भी घटनाएं हैं इनके द्वारा पूर्व में की गई, तीन घटनाएं की गई है, तीनों घटनाओं का सफल अनावरण आज थाना फोराबार द्वारा किया गया। ये इसका मास्टरमाइंड नहीं, इनका गैंग है, ये साथ में काम करते हैं, महिलाएँ भी हैं और इसमें तीन पुरुष हैं, तीनों पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं, महिलाओं की दबिश दी जा रही है और उनको भी गिरफ्तार किया जाए। ये थाना खोराबार क्षेत्र के और पिपराई क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहीं से आते थे, हर बार खोराबार के ही जगदीशपुर क्षेत्र में ये घटनाएं करते थे। थैंक यू। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में शनिवार को पैडलेगंज व मोहद्दीपुर चौराहे पर डीजल चालित काले ऑटो रिक्शा के विरुद्ध सघन एवं संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि डीजल काले ऑटो चालक महानगर में चलने के लिए उनकी अनुमति नहीं है। जिन गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगा है तथा लोग बम्पर से नंबर को ढक रखा है, ऐसे वाहनों को आरटीओ विभाग के सहयोग से और यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग एवं चालान की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि 128 काले ऑटो और ई रिक्शा जो फॉर्मेट है फिटनेस के लिए हर क्षेत्र में चलते हुए पाए गए, उनके विरुद्ध एमबी एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की गई। साथ ही साथ वाहनों के आगे पीछे लिखे नंबर प्लेट को लोहे के बम्पर से ढक कर चलते हैं, जिसे नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, उन 181 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त बिना रजिस्ट्रेशन कराए चलने वाले ई रिक्शा, कम उम्र के बच्चों द्वारा बिना लाइसेंस के चलाए जाने वाले के विरुद्ध भी चालान एवं सीजर की कार्रवाई की गई है। इस अवसर पर एआरटीओ वीके सिंह, एआरटीओ संजय झा, यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय सहित ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, डीजल चालित वाहन हैं, डीजल चालित ऑटो, वो गोरखपुर शहर में अनुमन्य नहीं है। इसके अलावा ऐसे ई रिक्शा, ऑटो और बाइक जिन्होंने स्टैंडर्ड प्रकार की नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगा रखी है या नंबर प्लेट को ढक रखा है,
ऐसे सभी वाहनों को आरटीओ विभाग के सहयोग से एआरटीओ श्री बीके सिंह और श्री संजय कुमार झा के सहयोग से एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग एवं चालान की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम लोग 65 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि जो डीजल चालित वाहन हैं वो सभी कृपया करके नगर क्षेत्र की 16 किलोमीटर सीमा से बाहर चलाएं और सभी वाहनों के सभी प्रकार के प्रपत्र हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के अलावा फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस इंश्योरेंस सारे प्रपत्र के लिए कंप्लीट रखें और बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ई रिक्शा सबसे पहले उसके पास डीएल होना चाहिए और डीएल उसी के नाम में होना चाहिए जो उसका मालिक है, केवल वही उसके लिए चला सकता है। और चलाते समय कोई उसमें वो ना करें, कोई मॉडिफिकेशन ना करें बाहर के बॉडी में, नंबर प्लेट उनकी स्पष्ट रूप से देखे, सवारी की ओवरलोडिंग ना करें, उनके लिए केवल ड्राइवर के अलावा 4 सवारी अनुमति है। शाहपुर पुलिस ने मोबाइल फोन की लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को बौलिया रेलवे कॉलोनी यानी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान निशु पासवान पुत्र प्रदीप पासवान निवासी माधोपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा विजय कुमार गौड़ पुत्र मोती गौड़ निवासी सूरजकुंड थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट के 9,200 रुपये नकद, 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रामानुज सिंह यादव, हिमांशु यादव, कांस्टेबल अजय प्रताप चौधरी, चंदन कुमार चौहान, विजय कुमार मौर्य, अमृत लाल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर अंतर्गत एक ऐसा मसला सामने आया जिसमें एक विनय कुमार साहू जो कस्टम सुप्रिटेंडेंट है, उन्होंने सूचना दी कि वो बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन की तरफ कल प्रातः 3 बजे जा रहे थे, उसी टाइम उनका एक फ़ोन 2 मोटरसाइकिल सवार द्वारा प्लेटिना गाड़ी पर छीन लिया गया एवं उसके बाद में वहाँ से भाग गए। उसके बाद में तत्परता से पुलिस ने कैमरे खंगाले गए, कैमरे खंगालने पर कुछ लोगों के फ़ोटो आइडेंटिफाई किए गए और उन फोटो को आइडेंटिफाई करने पर पतारसी सुरागरसी की गई, जिनका जो थाने में पहले एक और मुकदमा जिसमें चैन स्नेचिंग में वांछित थे वो, तो इसके बाद में फिर धरपकड़ की गई एवं 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम निशु पासवान है जो कि थाने का HS है और दूसरा विजय कुमार गोड़, इन पर 9 और 4 टोटल 13 मुकदमे दर्ज हैं पहले से और इनके पास से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और 9,200 रुपये पुरानी चैन स्नेचिंग की लूट के जो पैसे मिले थे वो, और जो कस्टम सुप्रिटेंडेंट साहब से जो मोबाइल छीना गया था वो भी बरामद किया गया है। ये तमंचा अभी तक पता चला है कि ये मुंगेर से प्रोक्योर करते हैं, अब आगे और पता कराया जा रहा है कि मुंगेर में एग्जैक्टली कहाँ से लाते हैं। थैंक यू। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि तहसील समाधान दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद व पुलिस से संबंधित आए थे और कुछ मामले राशन कार्ड बनवाने के लिए आए थे, जिसमें कुछ मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया तथा कुछ मामलों का राजस्व व पुलिस टीम भेजकर निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर अपर SDM सदर शिवम सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, I don't know.
तहसील दिवस में ज़्यादातर राजस्व के और पुलिस विभाग के और विकास भवन से संबंधित मामले आते हैं और उसी तरह के मामले आज भी आ रहे हैं और जिनमें जो मामले आपसी सामंजस्य या फिर पुलिस और राज्यपाल की टीम भेजकर समाधान किया जा सकता है उसका तत्काल समाधान कराया जा रहा है और जो ज़्यादा विवादित मामले हैं उसमें राजस्व कर्मियों को पुलिस कर्मियों को जाँच के लिए प्रेषित किया जा रहा है और उसका भी हम तत्काल जल्द से जल्द निस्तारण कराएंगे। राजघाट पुलिस ने अपहरण करने वाले दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को सेमरा नंबर 2 चरगामा से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मोहम्मद आदिल अहमद पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद खलील अहमद निवासी चकसा हुसैन पचपेड़वा थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर, दूसरा सचिन साहनी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद साहनी निवासी मोहनापुर बड़का टोला जंगल हकीम नंबर 2 थाना शाहपुर जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 4 कूटरचित आधार कार्ड 5 सिम कार्ड 1 लैपटॉप 1 प्रिंटर 1 फिंगरप्रिंट डिवाइस को बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त युवती के अपहरण के मुकदमे वांछित चल रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनूप कुमार मिश्रा, कांस्टेबल हृदयेश सिंह, पवन यादव, देवेंद्र यादव, रवि कुमार शामिल रहे। गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के प्रथम आगमन पर भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि नौसड़ चौराहे पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अपने नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि MLC बनने के बाद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का पहला आगमन गोरखपुर में हुआ। महानगर के नौसड़ चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। इसके साथ ही महानगर के विभिन्न चौराहों शास्त्री चौक काली मंदिर धर्मशाला बाजार पर स्वागत किया गया तथा गोरखनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन किया।
उन्होंने कहा कि महानगर के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस महानगर में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है पर कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, आज पार्टी ने उनको MLC बनाया है, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर जगदम्बा पाल, विधायक विमलेश पासवान, विधायक विपिन सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, राहुल श्रीवास्तव, देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, बच्चा पांडे, शशिकांत सिंह, रणविजय शाही, दयानंद शर्मा, जितेंद्र चौधरी, गौरव तिवारी, शिवम पांडे, अवधेश अग्रहरी, पीयूष मिश्रा, समीर श्रीवास्तव, राधेश्याम रावत, चंदपाल सिंह, पंकज जायसवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि जिस चीज़ की प्रतीक्षा हम सभी दशकों से कर रहे थे वो घड़ी पूरी हुई है। हम सबके नेता गोरखपुर के लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी MLC बनने के बाद प्रमाण पत्र लेकर पहली बार उनका प्रथम आगमन गोरखपुर में हो रहा है और नौसर चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी महानगर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य ऐतिहासिक स्वागत होगा और नौसर के बाद गोरखपुर के अंदर ट्रांसपोर्ट चौराहा, DDM चौराहा, भगत सिंह चौराहा, शास्त्री चौराहा, टाउन हॉल चौराहा, गोलघर काली मंदिर चौराहा, यातायात तिराहा, धर्मशाला बाजार, विश्वकर्मा मंदिर, सिंधी धर्मशाला,
और गोरखनाथ मंदिर, फिर उसके आगे चंद्रा पेट्रोल पंप से होते हुए माधव धाम जाएंगे, फिर वापसी में उनका स्वागत विश्वविद्यालय चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा, कूड़ाघाट चौराहा, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज रानी डिहा का तिराहा, वहाँ के बाद क्षेत्रीय कार्यालय पर उनका भव्य अभिनंदन कार्यक्रम होगा। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, खास तौर पे गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस महानगर में वो क्षेत्रीय महानगर में महानगर के अध्यक्ष रहे, महानगर के उपाध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप दिख रहा है महानगर में, निश्चित ही उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का विशेष योगदान है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ उन्होंने सींचा है, यहाँ कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता उनको दिल से प्यार करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी सम्मिलित होते हैं, और इसलिए कार्यकर्ताओं के अंदर एक गजब का उत्साह है। कार्यकर्ता आज अपने बीच के कार्यकर्ता को नेता मान के आज उसका भव्य स्वागत अभिनंदन इस गोरखपुर महानगर में ऐतिहासिक स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आज होगा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार की शाम सिंघाड़िया मॉडल शॉप के पास रहने वाले ज्वाला निषाद को 5 4-पहिया सवारों ने किया अपहरण। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने रोड को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के घर पर दी दबिश। अपहरणकर्ता युवक को सहारा स्टेट छोड़कर हुए फरार। मामला कैंट थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा युवक की तहरीर के आधार पर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा किया गया है दर्ज। जल्द अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी कर किया जाएगा खुलासा। जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में कैंपियरगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। महिलाओं के साथ ऑटो में टप्पेबाजी करने वाले दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक पायल घटना में प्रयुक्त ऑटो किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया खुलासा। पूर्वोत्तर रेलवे की महिला एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने बर्मिंघम इंग्लैंड में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीता सिल्वर मेडल। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के संरक्षक महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अशोक कुमार मिश्रा, अध्यक्ष योगेश मोहन, महासचिव पंकज कुमार सिंह ने प्रियंका गोस्वामी को दी बधाई। मोबाइल लूट करने वाले दो अभियुक्तों को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 लूट का मोबाइल, 26 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया हजरत इमाम हुसैन की याद में 7वीं मुहर्रम का जुलूस। जगह जगह पर जुलूस का लोगों ने किया स्वागत। शाम को मियां साहब के पुत्र अयान शाह के नेतृत्व में निकला गश्ती जुलूस। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब ने कहा मांगी गई शांति एवं अमन की दुआ। टप्पेबाजी व चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 सोने का मंगलसूत्र, 1 सोने का जूतिया लॉकेट, 2 सोने का कान टफ, 2 सोने की कान की झुमकी को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। डीजल चालित काले ऑटो रिक्शा के विरुद्ध एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में शनिवार को पैडलेगंज व मोहद्दीपुर चौराहे पर चलाया गया सघन एवं संयुक्त चेकिंग अभियान। 128 काले ऑटो और ई रिक्शा तथा 181 वाहनों के विरुद्ध चालान एवं सीजर की गई कार्रवाई। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। चेन स्नेचिंग व मोबाइल फोन की लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 9,200 रुपए, 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 देशी तमंचा व 1 जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा कुछ मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, कुछ मामलों का टीम भेजकर निस्तारण करने के दिए गए निर्देश।
युवती का अपहरण करने वाले दो वांछित अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 फर्जी आधार कार्ड, 5 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 1 फिंगरप्रिंट डिवाइस को किया बरामद, भेजा जेल। और MLC बनने के बाद भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के प्रथम आगमन पर महानगर के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को पार्टी द्वारा MLC बनाया जाना है सभी महानगर के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।